सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विकास। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल फ्यूचर टेक्निकल व्यू में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक कमाल का प्रोडक्ट जो हाईली डिमांडिंग रहा है, अभी तक का टॉप रेटेड प्रोडक्ट में से एक है ये। जैसा कि ये प्रोडक्ट आता है नथिंग की तरफ से, नथिंग ईयर वन, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं इसे प्रोडक्ट के बारे में। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नथिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि नथिंग कौन सी ब्रांड है, बिकॉज ये बहुत कम लोग जानते हैं, काफ़ी यूनिक सा नाम भी इन्होंने सेलेक्ट करा है। सो नथिंग के बारे में आपको बता दूँ कि जो पहले कालपाई वन प्लस के जो फाउंडर थे, वो अभी वन प्लस को छोड़ कर नए ब्रांड को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा है नथिंग। सो देर नहीं करते हुए जल्दी से आपको बताते हैं इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू बोले तो बॉक्स कंटेंट वगैरह। बेसिकली आप अगर बाई करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो एटलीस्ट बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट मिलने वाला है ये भी बताना जरूरी है। तो बॉक्स का सबसे पहले देखते हैं, अगर बाई करते हो तो इन हैंड फील एकदम नेक्स्ट लेवल का है, बिकॉज टोटली प्रीमियम पैकेजिंग के साथ में आता है, फ्लैगशिप लेवल का प्रोडक्ट है। अगर उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट में देखने को मिलता है आपका प्यारा सा बड्स जो केस के अंदर रखा हुआ, केस के साथ में आपको फ्रंट में मिलता है। अगर उसे हटाते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे लाइक यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड एक्सेट्रा, और साथ में आपको मिलता है कुछ डिफरेंट साइज़ के ईयर टिप्स जो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसे स्विच कर सकते हो अपने ईयर साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको इसमें मिलता है यूएसबी टाइप सी केबल जो ब्रेडेड केबल है, बट ट्रांसपेरेंसी का ध्यान में रखा गया है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइप का केबल है और वो भी बेस्ट क्वालिटी का। तो बॉक्स कंटेंट के बाद अगर बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट कैसा लगता है, तो नथिंग का कहना है कि हम ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रख के बनाते हैं इसे। तो ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, एक पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ बॉडी है जो काफ़ी मजबूत है। जनरली मैं मुझे यूज़ करते हुए 1 ईयर हो रहा है जैसे मैंने बताया, तो अराउंड ऑफ मेरे से ये 4 to 5 times ये मेरे से गिरा है। एक बार तो किसी मॉल में हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी तेज गिरा, दोनों बर्ड्स बाहर आ गए थे, बट इसमें कुछ नहीं हुआ। सो इस बर्ड्स का जो लुक है टोटली डिफरेंट है, बिकॉज पहले जो बर्ड्स आते थे वो थोड़े अलग थे, बट इसका लुक लगाने के बाद ना जो लुक आता है ना रियली में काफ़ी डिफरेंट आता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। जैसा आप देख सकते हो एकदम सिंपल छोटा सा आपके कान में प्रॉपर फिट हो जाता है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है इसके साथ में कि आप लगाओ तो आपको दिक्कत होगा वगैरह वगैरह, नहीं। आप इसे लगाओ, अगर आप जिम करने वाले बंदे हो तो ऑब्वियसली आप जिम जा सकते हो इसे लगा करके, जिम लगा आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, आप पूरा वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन आपके कान से ये निकल के गिरेगा नहीं। ट्रैवल करते टाइम या घर में भी इसे मैंने काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया, तो ऐसा इसमें कोई भी इशू मुझे नहीं देखने को मिला है अभी तक। स्वेटिंग से भी कोई इशू नहीं, बिकॉज ये IPX4 से सर्टिफाइड आता है, यानी कि ये स्वेटिंग प्रूफ है। तो एटलीस्ट आप लगाओ, अपने वर्कआउट पे ध्यान दो। और अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, इंडिविजुअल कोई भी आप बर्ड्स को उठा करके देख सकते हो, उसमें आप क्लियरली मैग्नेट, चार्जिंग पॉइंट्स, इसके अंदर जो भी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं क्लियर विजिबल है। तो ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट लुक ना टोटली डिफरेंट इसको बनाता है सारे बर्ड्स से, चाहे एप्पल एयरपॉड हो, सैमसंग हो, सोनी हो या किसी से भी, बिकॉज ये डिज़ाइन पैटर्न किसी और के पास नहीं है। और यहाँ पे साउंड ड्राइवर वगैरह की बात कर ले तो इसके अंदर जो साउंड ड्राइवर आता हुआ आता है 11.6 mm का, जो काफ़ी इंप्रेसिव साउंड प्रोवाइड करता है अगर इसे आप कंपेयर करो डायरेक्टली आप ये एप्पल के पॉड से चाहे सैमसंग के, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, किसी के पॉकेट में वो अफोर्ड नहीं हो पाता है, सो उनके जगह पे आप इसे कंसीडर कर सकते हो। इसके एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें एडिशनल फीचर्स में आपको मिलता है इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ इसे बोलते हैं एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, यानी कि अगर आप दोनों बर्ड्स को लगाते हैं, अगर आप गाना प्ले करते हैं, अगर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है एकदम क्लियर कट हो जाता है। तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लगाने के बाद अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन को अगर फुल करते हो तो समझ लो कि आप अपनी दुनिया में हो और बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अलग हो जाती है। तो ये है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का फायदा। तो इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन आता है और इंडिविजुअली अगर एक ईयरबड की बात करें तो एक ईयरबड में आपको 3-3 माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों मिला करके टोटल 6 माइक्रोफोन हो जाते हैं। यानी कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आप अगर बात कर रहे हो, सपोज़ दैट आप मान लो कि आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर अगर 40 km/h की स्पीड से अगर विंड चल रहा है, यानी कि हवा बह रहा है, तो वहाँ पे भी आप लगा करके आराम से बात कर सकते हो। सामने वाले को हवा नहीं, आपका वॉइस क्लियर सुनाई देगा, वो भी फिल्टरेड, कोई इशू नहीं है। अगर इंडिविजुअल सिंगल लगा के काम आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप ध्यान रखिए कि नॉइस कैंसिलेशन कभी भी दोनों ईयरबड लगाने के बाद ही काम करता है। सिंगल लगाने के बाद नॉइस कैंसिलेशन बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको विंड ब्लास्ट सामने वाले को सुनाई दे सकता है। और अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप विदाउट नॉइस कैंसिलेशन आप इसे 34 आवर तक बजा सकते हो। अगर नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हो
तो आप इसे 24 आवर तक आराम से बजा सकते हो। और चार्जिंग के लिए इसमें अगर टाइप सी केबल निकला है तो ऑब्वियसली कि चार्जिंग के लिए इसमें टाइप सी पोर्ट ही आता है, ठीक है। और टाइप सी पोर्ट आता है और साथ ही ये वायरलेस चार्ज भी सपोर्ट करता है, फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। यानी कि आप इसे जनरली मान के चलो कि 10 मिनट तक आप चार्ज करते हो तो उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे तक आराम से प्लेबैक टाइम आपको मिल जाता है विथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। अगर जेस्चर की बात करें तो इसमें सारे जेस्चर आते हैं, यानी डबल टैप, सिंगल टैप एंड टैप एंड होल। टैप एंड होल करके आप इसे एनसी मोड को स्विच कर सकते हो, और डबल टैप सिंगल टैप से जैसे ट्रैक को नेक्स्ट या प्रीवियस ट्रैक को प्ले पॉज वगैरह एडजस्ट आप सेटिंग इसका चेंज कर सकते हो। और जो एक डिफरेंट कंट्रोल मिलता है वो है इसका वॉल्यूम कंट्रोल। ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं इस पर अगर हम स्वाइप करते हैं, स्वाइप अप करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, स्वाइप डाउन करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, नहीं वॉल्यूम डाउन हो जाता है। ये किसी और वर्ड्स में मुझे देखने को नहीं मिला था, तो ये भी एक काफ़ी कूल सा फीचर है। अगर इसकी सेटिंग आपको चेंज करना है तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ईयर वन एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर से जाकर के आप iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, कनेक्ट करने के बाद आप इसे फ्रेमवेयर अपडेट वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ से आप इसके जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे उसमें दिया हुआ है हाई बेस या हाई ट्रेबल या बैलेंस, तो ऑब्वियसली इंडियन यूज़र को ध्यान में रखते हुए इसका साउंड बैलेंस में सुनने में काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव है। और एप्लीकेशन से आप इसके मोड भी स्विच कर सकते हो, जहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड और ऑफ का ऑप्शन मिलता है। ऑफ करने का मतलब है कि आप नॉर्मल ईयरबड्स के जैसे यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि एटलीस्ट अगर आप ईयरबड लगा के गाना सुन रहे हो, अगर कोई आजू बाजू बात करना है आपको, अगर वो भी सुनना है तो आप इसके ट्रांसपेरेंसी मोड पर कर दो, आपको जो पास में बैठा है उसकी आवाज़ भी क्लियर क्लियर उसकी वॉइस सुनाई देगा आपको। और अगर आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो समझ लो कि आप सीधा सीधा दूसरे दुनिया में आए, तो आपके कान में सीधा सन्नाटा छा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन फीचर में से एक फीचर है नॉइस कैंसिलेशन किसी भी वर्ड्स में, अभी के टाइम पे किसी भी वर्ड्स, किसी भी ईयरफोन में ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर अब बात करें इससे कंपेरिजन में, तो मैं बता दूँ कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आपको मिलता है, इस प्राइस पॉइंट पर इस मार्केट में कोई भी इसे कम्पिटिट करने वाला कोई भी बड्स अभी अवेलेबल नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर इसका अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो डायरेक्टली सैमसंग या फिर आप एयरपोर्ट से भी इसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको साउंड क्वालिटी इन दोनों से आपको बेहतर मिलेगा, बट अगर वहाँ से कंपेयर करते हैं ANC को लेकर के, तो ANC के मामले में ऑब्वियसली थोड़ा सा पीछे है, बिकॉज प्राइस भी इसका कम है। मैंने इसे पब्लिक प्लेस में भी ट्राई करा है, कहीं जहाँ पे शोर शराबा है, जहाँ म्यूज़िक बज रहा है, वहाँ पे मैंने लगा कर इसको ट्राई करा। इसका परफॉर्मेंस एक नंबर रहा है। वहाँ पे मैं चलते वॉकिंग वे में भी मैंने इसको ट्राई करा है, कोई इशू नहीं हुआ। जो इसके अंदर ईयर टिप्स लगा हुआ है सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ, स्किन फ्रेंडली मटेरियल है, जो आपके कानों को, स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता है। आप लगा करके इसे घंटों घंटों यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये था इसका फैक्ट और इसकी तारीफ जो ये डिज़र्व करता है। सो अब बात करते हैं इसके ड्रॉपबैक का, जो ये भी डिज़र्व करता है। जो इसका ड्रॉपबैक है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये जो स्किन आप अप्लाई देख रहे हो कि मैंने इस पर एडिशनल स्किन अप्लाई कर रखा, हालांकि ये ट्रांसपेरेंट ही आता है जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, बट मैंने स्किन इस पर इसलिए अप्लाई करा कि जनरली आप इसे किसी सरफेस पर नहीं रखते, बट पैकेट में भी रखते निकालते इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस आते हैं, तो इस स्क्रैचेस को छिपाने के लिए मैंने इस पर ये स्किन अप्लाई करा। हालांकि ये भी ठीक है, बट अगर हम ट्रांसपेरेंट बाई करते हैं तो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट में ज़्यादा कूल नज़र आता है। तो मैंने जब बाई करा था तो उस टाइम पे इसका प्राइस था 5999, यानी कि 5999। इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया है, जो है अब 6999 रुपीज़। ऑलमोस्ट समझ लो कि 7000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे इस बड्स को बाई करने में अभी। और जब मैंने बाई किया था उस टाइम पे ऑफ कलर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, बिकॉज कलर ऑप्शन उस टाइम पे एक ही लॉन्च किया गया था, जो है वाइट कलर का। बट अभी अगर आप बाई करते हो तो अभी आपको एक ब्लैक कलर का भी देखने को मिल सकता है। अब ब्लैक कलर का काफ़ी ही बेहतर लगता है, काफ़ी बेहतरीन लगता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।